hello students welcome to the session i hope you all are doing good our topic for today is letter writing formal letter in previous session we understand about letter writing which is personal called as informal letter called as informal letter which is used to write our parents grandparents relatives friends and family now this is a kind of formal letter we use to write in formal context टू आवर्स सीनियर्स इन ऑफिस इन स्कूल एक्सेट्रा लेटस नो अबाउट इट द काइंड ऑफ लेटर्स एड्रेस टू ऑफिसर्स बिजनेस वर्म्स एक्सेट्रा जो फॉर्मल कॉन्टेक्स में यूज़ होते हैं इन फॉर्मल लेटर्स यू शुड पुट द एड्रेस ऑफ द पर्सन और द कंपनी टू होम योर राइटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द शीट इसका जो फॉर्मेट होता है वो बिल्कुल अलग होता है एज़ कंपेयर टू द इन फॉर्मार्मल लेटर इसके अंदर आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं लेंथ इज़ डिसाइडेड आपको कुछ वर्ड्स में ही अपने इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होता है आप उसे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते हैं आपको सैल्यूनेशन प्रॉपर यूज़ करनी होती है क्लोजिंग लाइंस भी प्रॉपर यूज़ करनी होती है एंड इसके अंदर एक और चीज़ ऐड हो जाती है विच इज़ अ सब्जेक्ट इसके अंदर क्या ऐड हो जाता है सब्जेक्ट आपको ए वन लाइनर बताना होता है अबाउट योर लेटर कॉल्ड एज सब्जेक्ट

अबब इट इन द लेटर एड्रेस टू ऑफिसर डियर सर डी एस सर और मैडम इसके अंदर जो आप एड्रेस लिखते हैं वो डियर सर और मैडम होता है यूजल ग्रीटिंग्स होती हैं इफ़ यूर राइटिंग टू द कंपनी आप कंपनी के ओनर्स या उसका नेम लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिसर स्मिथ एंड सन्स तो पुट डियर सन्स इफ यूर राइटिंग टू इंडिविजुअल सो यू विल राइट डियर सर डियर मैम योर्स फेथफुल जो इसका क्लोजिंग लाइन है उसके अंदर आप ज़्यादातर योर्स फुल्थफुली या योर्स ओबीडेंटली ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं इट वुड बी नेसेसरी टू राइट योर नेम अंडर द सिग्नेचर और आपको अपना नेम लिखना ज़रूरी होता है इसके अंदर लेटर सी यहाँ पर आप जो लिखते हैं यहाँ पर आप एड्रेस लिख रहे हैं द प्रिसिपल के आर मंगलम पब्लिक स्कूल विकासपुरी न्यू डेली सो यहाँ पर आपने देखा कि आपने लेफ्ट साइड में एड्रेस लिखा है देन आपने डेट लिखी है एंड देन कम्स द न्यू थिंग सब्जेक्ट टू इशू अ न्यू आई कार्ड तो आपको एक लाइन से पता चल गया कि हमें आई कार्ड इशू करने के लिए लेटर लिखा है आई कार्ड के लिए लिख रहे हैं टू इशू अ न्यू आई कार्ड सो दैट इज हाउ विकॉड द इन्फॉर्मेशन दैट द हुर इज द रीडर ऑफ द लेटर गॉड द इन्फॉर्मेशन विद द सब्जेक्ट लाइन इट मे रीड फर्दर एंड गेट Why you need it? So reason देने के लिए आप explanation दे सकते हैं but one liner में आपको subject बताना होता है then he used respected madam आप इसके अंदर उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं आपके बड़े हैं officials हैं सो यू हैव यूजिंग दिस आई विश टू स्टेट that आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ ऑफ your स्कूल yesterday my younger सिस्टर टो माई स्कूल आई कार्ड

थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली अनुपमा शर्मा आप देख सकते हैं थैंकिंग यू योर्स ओबिडेंटली सारा किया गया है बहुत कम लाइन्स में आपको डिटेल दे दी गई है कि क्या लेटर में बोलना चाह रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड एज फॉर्मल लेटर लेटर्स इज ऑफ टू टाइप्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो हम ऑफिशियल बिजनेस स्कूल में लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर होते हैं इसके अंदर हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना होता है हम अपनी पर्सनल डिटेलिंग्स नहीं दे सकते इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं of your choice of your opinion of your description anything it has a word limit formal letter has word limit informal letters has no limit it's up to any length you have to use fixed closing lines and fixed opening lines here you can use anything which is used for your relationships that's all students for today's session of letters